जितना लॉक करने के बाद में जो पेट्रोल आएगा ना गाड़ी में, उसके अकॉर्डिंग जो है पता चल जाएगा। तो पेट्रोल मेरे को उतना डलवाना है गाड़ी में कि जब तक मेरी गाड़ी जो है ऑटो कट होगी ना, उतना ही जो है मैं इसमें पेट्रोल डलवाने वाला हूँ। अभी टू थाउजेंड का हो चुका है। ओके ठीक है काका, सो ऑटो कट हो गया है और मेरे को सिर्फ ऑटो कट तक ही भरवाना है, क्योंकि मैंने दो तीन बार ट्राई किया था लेकिन उसको निकल जाता है पेट्रोल, तो कोई मतलब नहीं है। तो 2304 रुपीज़ का जो है पेट्रोल आया है, 27.59 लीटर, 500 रुपीज़ का जो है पेट्रोल मैंने पहले डलवा लिया था। तो आई होप कि कैमरा भी कैप्चर कर पाए। 32,461 किलोमीटर जो है अभी तक मेरी कार चल चुकी है और मैंने रिसेंटली सर्विस करवाई थी गाड़ी की, तब मैंने 500 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा के छोड़ दे रख दिया था और उसके बाद में जो कार है ओनली 15 किलोमीटर ही मैंने ड्राइव की है। सो 27 जो लीटर है पेट्रोल कार के अंदर आ गया एंड अभी जो है मैं आप ही के सामने ट्रिप बी को मैं यहीं पे सेट रखता हूँ 15.4 पे, ऑडोमीटर 32,461 पे है और अभी रात के 8:20 हो रही है, मैं अर्ली मॉर्निंग निकलने वाला हूँ एंड ये ट्रिप ए जो है इसको मैंने कर दिया 0। सो इसके बाद में मिलते हैं सुबह ड्राइव स्टार्ट करने से पहले। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 5:15 एंड अभी आई एम रेडी टू गो एंड एक बार फिर से जो है मैं आपको किलोमीटर्स दिखा देता हूं कि मैं अपनी ड्राइव स्टार्ट कर रहा हूं एंड ये थोड़ा अलग ड्राइव होने वाला है बिकॉज टोटली जो है कार का टैंक फुल है। जब तक ये एम्प्टी नहीं होता है तब तक मैं इस कार को अभी ड्राइव करने वाला हूँ। सो अभी आप देख रहे हैं 1.5 किलोमीटर जो है अभी कार चली है और 12.2 का जो है ये माइलेज शो कर रहा है। सो ऑल सेट टू गो। सो काफ़ी अच्छी लोकेशन मिल गई और मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है। सो फार अभी तक मैंने जो है 137 किलोमीटर जो है कार को ड्राइव किया है एंड जो मुझे 22.6 का जो है यहाँ पे ये माइलेज शो कर रही है। पेट्रोल का जो है सेकंड बार जस्ट रिसेंटली 4 या 5 किलोमीटर पहले जो है वो डाउन हुआ है एंड मुझे मॉर्निंग से निकले हुए अभी तक ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं और अभी तो जो है एज दिस इज शोइंग मी 620 किलोमीटर मोर आई टू गो। शानदार मौसम के साथ में जो है ब्यूटीफुल द सनराइज होते हुए एंड यहाँ पे जो है एक और नदी। उस तरफ तो जो है काफी पानी भरा हुआ है एंड उसके बाद में यहाँ पे जो है पानी नहीं है, काफ़ी बड़ी नदी है एंड यहाँ पे शायद आप देख पाएँ इस जगह पे जो बहुत सारे जो छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं, बर्ड्स हैं। हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ नाउ। क्वेश्चन आ सकता है कि आप कितनी स्पीड पे जो है आप इस कार को ड्राइव कर रहे हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार है अगर इस तरीके का रोड आता है, जैसे कि शानदार बढ़िया खाली रोड है और यहाँ पे जो है स्पीड अप्रोक्स जो है पिछले हाफ एन आवर से मैं 90 या मतलब 100 मान के चल लीजिए 100 पे ही मैं
कार को ड्राइव कर रहा हूँ। कार का जो एसी है मैंने बंद किया हुआ है बिकॉज अभी जो है बाहर काफ़ी ठंडी है एंड मुझे जो है ना तो मुझे हीटर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि टेम्परेचर जो है अप्रोक्स जब मैं बड़ौदा से निकला था सो अप्रोक्स वहाँ पे था तक 14 डिग्री की समथिंग था एंड उसके बाद मैं 100 किलोमीटर बाहर आने के बाद में 12 डिग्री के आसपास जो है मुझे शो कर रहा था। तो मुझे ना तो हीटर की रिक्वायरमेंट रही और ना ही मुझे जो है एसी की रिक्वायरमेंट है और कार जो है उसके बिना भी सही चल रही है। ज़रूरत लगी नहीं मुझे कि यहाँ पे मुझे एसी या फिर हीटर की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी ठंड है और राजस्थान में जाने के बाद में तो अच्छी खासी मुझे ठंड मिल ही जाएगी। अभी फ़िलहाल राजस्थान में एंटर हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट 45 के आसपास जो है मैंने किलोमीटर कवर कर लिए हैं राजस्थान में एंड यहाँ पे जो है ना मैं अभी ड्राइव जो कर रहा हूँ वो सिटी मोड में ड्राइव कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ की जो रोड है काफ़ी मतलब हिल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है ऊपर नीचे हो रहा है तो पावर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर सिटी मोड में ही ड्राइव करना पड़ेगा आपको। उससे पहले जो है 215 किलोमीटर तक जो है मैं ड्राइव कर रहा था इको मोड पे। सो वीडियो जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस कार की जो फुल टैंक रेंज जो है वो कितनी आती है। इको एंड सिटी दोनों मोड मैंने यूज़ किए हैं एंड कॉन्स्टेंट स्पीड जो है नहीं रहे, ऐसा मतलब स्पीड जो है ऐसी है कि 80, 90, 110 तक भी जो है चली जाती है अगर रोड अच्छी आती है तो। और अभी जैसे कि कवर कर लिए हैं मैंने 262 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुका हूँ और लास्ट जो है ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर जो है इसी तरीके से मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा हूँ। वडोदरा से निकलने के बाद में जो है फर्स्ट डी ब्रेक है मेरा। 400 किलोमीटर तक अभी तक मैं ड्राइव कर चुका हूँ, बाकी देखते हैं फर्स्ट डी ब्रेक उसके बाद में लंच ब्रेक होगा, देन मैं शायद सोच रहा हूँ कि कोई ब्रेक ना लूँ। फर्स्ट टी ब्रेक हुआ 388 किलोमीटर पे एंड नाउ जो है हाफ टैंक के आसपास जो है थोड़ा सा कम हुआ है उससे, पेट्रोल रिमेनिंग है। सो अभी तो अजमेर आने वाला, अजमेर जो है 260 किलोमीटर के आसपास अजमेर है यहाँ से, देन देखते हैं कहाँ तक जो है गाड़ी चलती है। सो फार सो गुड, अभी तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला था कि जो इको मोड और सिटी मोड में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मैं अभी सिटी मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ, सॉरी अभी मैं इको मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ एंड मेरी जो स्पीड है मैं इसको थोड़ी सी ऊपर लेके जाता हूँ। अब इको मोड पे हूँ मैं एंड 90 के आसपास मेरी स्पीड है और जैसे ही मैं सिटी मोड यहाँ पे चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली जो स्पीड है मेरी 9500 पहुंच जाती है। सभी जो है एक्सेलरेट को प्रेस नहीं किया है लेकिन उसके बाद में भी जो है ऑटोमेटिकली जो ये इतना डिफरेंस आता है सिटी एंड इको मोड में एंड मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि यार जो ये कार है ना सिटी मोड में ज़्यादा बढ़िया माइलेज देती है ऑन हाईवे, क्योंकि जब मैं इको पे था तो ये 22.3434 पे था एंड मैं अभी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर में सिटी मोड पे ड्राइव किया है और अभी जो है ये शो कर रहा है 22.8। टाइम हुआ है 11:40, उदयपुर जस्ट मैंने अभी क्रॉस किया है एंड कार जो है हल्का हल्का जो है अभी गर्मी बढ़ चुकी है। सो उदयपुर में एंटर होते ही मैंने एसी चालू कर लिया था, तब से लेके अब तक जो है कार में एसी चालू है, उसके बिना ड्राइव करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट राइट नाउ। मुझे लगा कि राजस्थान में थोड़ी ठंड होगी लेकिन ठंड जो है यहाँ पे भी नहीं है फिलहाल। तो फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स कवर्ड सो फार एंड टाइम जो हुआ है अभी 1:11 अभी टाइम हुआ है एंड 500 किलोमीटर जो है मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं मॉर्निंग से लेके अब तक।
काफ़ी तेज़ धूप हो चुकी है, गर्मी लग रही है इधर। सो जस्ट अभी जो है, जस्ट 2 या 3 किलोमीटर पहले जो है, कार की जो पेट्रोल का इंडिकेशन है उसकी लाइट ऑन हो चुकी है। एंड कार जो है अभी तक 563 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर ली है। एंड मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ये जो लाइट जलती है इसके बाद में भी जो है आई थिंक 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास जो है कार और चल सकती है। सो जब तक लाश नहीं आता, जब तक कार एक दो झटके ना मारे, तब तक मैं इसको ड्राइव करने वाला हूँ। बाकी आप व्यू देखिए सामने का, ये सामने जो है मार्बल है, राजसमंद जो है वहां से किशनगढ़ की तरफ जो है मार्बल जाता है, क्योंकि किशनगढ़ में जितना भी मार्बल था उसका जो है एंड हो चुका है, मतलब वहां पे जो है प्रोडक्शन नहीं होता है, बिकॉज बहुत डीप जो है वहां पे खुदाई हो चुकी है, तो अब वहां पे मार्बल नहीं मिलता है, मतलब मिलता तो है लेकिन वहां पे जो है वहां से खुदाई में मार्बल नहीं निकलता है, तो मार्बल जो है ये लोग राजसमंद से लेके जाते हैं। अभी एक छोटा सा लंच ब्रेक लिया है, और लंच ब्रेक जो है 10 से 15 मिनट मैं रुकूंगा, लंच करूंगा और मैं फिर निकल लूंगा, ज़्यादा टाइम जो है मैं यहाँ पे नहीं लगाने वाला। सो टोटल अभी तक 600 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है इस मॉर्निंग से अब तक, एंड 24.0 जो है किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है। सिंगल बार बचा है पेट्रोल के अंदर अभी, एंड पेट्रोल का जो नोटिफिकेशन आता है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और रेंज देखें तो ये 66 किलोमीटर की रेंज जो है अभी दिखा रहा है कि कार मेरी और चल सकती है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा है। टाइम हुआ है अभी 2:52। सो 3 बजने वाले हैं और आई होप कि मैं 6 बजे तक जो है जयपुर पहुंच जाऊंगा। जस्ट रिसेंटली जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है पेट्रोल का जो फर्स्ट लास्ट वाला जो बार बचा हुआ था उसने भी ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया है। सो मोस्टली मैं ये जब ब्लिंकिंग करता था, इनकेस अगर ऐसे सिचुएशन में होता था, तो जैसे ही ये ब्लिंकिंग करना शुरू कर देता था तो मैं इसके अंदर पेट्रोल रिफिल करवा लेता था। और अभी एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि इसके बाद में जो है जब ये ब्लिंकिंग शुरू कर देता है उसके बाद में मैंने 20-30 किलोमीटर तो कार को ड्राइव किया है लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं किया है। तो आज फाइनली पता चल जाएगा कि ये जो है ब्लिंकिंग करने के बाद में कितना और चलता है। 622 किलोमीटर जो है अभी कार के अंदर शो हो रहा है कि मेरी कार इतनी चल चुकी है, और देखते हैं अब आगे। सो फार 677.5 किलोमीटर हो चुके हैं और किसी भी तरह का कोई जर्क जो है फील नहीं हुआ है कार में कि पेट्रोल अभी तक ख़त्म होने का कोई इंडिकेशन आया हो। अभी तो स्मूथली चले जा रही है कार, जैसे ही फर्स्ट जर्क आएगा मैं उसी टाइम जो है कार को रोक दूंगा। सो लेट्स सी कितनी और किलोमीटर चलती है गाड़ी अपनी। अभी जो है मैंने थोड़ी सी स्पीड भी कम कर दी है, 80 के आसपास मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, कभी एयर ना ले ले। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके का जो है कोई भी टेस्ट ना करें, इट्स नॉट गुड फॉर योर कार। मे बी जो है एयर अगर इंजन में चली जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ इशू हो सकते हैं कार के साथ में, तो ऐसा टेस्ट आप करके ना देखें। ये जो टेस्ट है ये मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि एक बार जो है मैं कार को उस लेवल तक ड्राइव करूं कि उसका जो टैंक है एम्प्टी हो जाए, मतलब कार चल ही ना पाए और मैं वो सारा रिकॉर्ड करूं प्रॉपरली। तो वो मैंने करके देख लिया और अभी तक जो है 683 किलोमीटर कार अभी तक मैं ड्राइव कर चुका हूं एंड स्टिल ब्लिंकिंग। जब ये ब्लिंकिंग करना शुरू हुआ था तब उस टाइम 622 किलोमीटर था। सो एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि अगर ये 700 टच कर जाती है कार, तो उसका मतलब ये होगा कि कार ने जो है 20 का माइलेज दिया है ओवरऑल। सो 700 जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी गाड़ी जो है स्मूथली चले जा रही है। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितनी और चलेगी यार, मतलब ये जो है बताना मुश्किल हो रहा है कि रिजर्व में आने के बाद में कितना जो है इसके टैंक के अंदर पेट्रोल होता है।
700.5 किलोमीटर जो है अभी तक कार चल चुकी है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्लिंक करे जा रहा है। और अगर मैं एक्सेलेरेट करता हूँ गाड़ी को, कार को, तो ये देखिए तो एक्सेलेरेट भी अच्छे से कर रही है। अभी भी जो है कोई ऐसा लग नहीं रहा कि पेट्रोल जो है कहीं ना कहीं कम मिल रहा हो कार को। तो जिसका पंप है वो प्रॉपरली भी तो पेट्रोल दे रहा है, मतलब गाड़ी में पेट्रोल है अभी। देखते हैं और कितनी चलती है ये कार टिल। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने थोड़ी देर के लिए स्पीड कम करी थी कार की, लेकिन उसके बाद मैं वापस से 90 100 पे ही मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। इस स्पीड पे आने के, इस सिचुएशन में आने के बाद में भी मैंने तो सिर्फ जो है जब ये ब्लिंक करता है पेट्रोल का, उसके बाद मैं 30-40 किलोमीटर ही मैक्स टू मैक्स चलाई थी, उसके बाद मैंने पेट्रोल डलवा लिया था। लेकिन अभी जो है मैं ऑलमोस्ट 78 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ रिजर्व में आने के बाद में, ब्लिंक करने के बाद में, और 80 किलोमीटर हो चुका है। टोटल 80 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है कार। आगे देखते हैं। अगर एक छोटा सा ब्रेक लिया है और कार अभी तक जो है 718 किलोमीटर में अभी तक ड्राइव कर चुका हूँ, और अभी तक भी जो है पेट्रोल ख़त्म होने के कोई भी इंडिकेशन मुझे नहीं मिला है। 718 किलोमीटर हो चुका है, 24.6 का माइलेज यहाँ मीटर में शो कर रहा है। बाकी सेल्फ मारता हूँ, फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई गाड़ी, चलते हैं आगे, देखता हूँ कहाँ और कितनी और चल पाती है। फाइनली जो कार है 747 किलोमीटर पे जो है बोल गई, मतलब जो पेट्रोल है अब इसका ख़त्म हुआ है। मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ लेकिन एक्सेलेरेट भी नहीं हो रही है एंड चल भी नहीं रही है किसी भी तरह का। जो है अगर गियर में भी डाल के देखता हूँ सेकंड गियर में तो नहीं चल रही है। सो फाइनली जो है कार ने माइलेज जो है यहाँ पे अपने को समझ में आ जाएगा कि कितनी कार चली है। कार हो गई है बंद एंड अगर मैं सेल्फ मारता हूँ तो अब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। सो ओवरऑल 747 किलोमीटर जो है कार चली है, 24.7 का माइलेज यहाँ शो कर रहा है। सो एग्जैक्ट माइलेज फिगर्स की बात करें तो 21.34 के आसपास का कार ने मुझे माइलेज दिया है। और एक बार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 747 किलोमीटर 24.7 का यहाँ पे शो कर रहा है। सो एग्जैक्टली 21 समथिंग का माइलेज हुआ है। ट्रिप जो है यहाँ ट्रिप बी पे 7.62 है और टोटल किलोमीटर्स 33,208 किलोमीटर जब मैं चला था, वो आप एक बार देख सकते हैं या वो वीडियो भी यहाँ पे मैं एक बार ऐड कर दूंगा कि जब मैं वडोदरा से चला था तो कितने किलोमीटर पे मैं वहाँ से निकला था। मैं यार ये हमेशा कहता हूँ कि जो माइलेज है वो ऑलवेज डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने व्हीकल को ड्राइव करते हैं। सो मेरे पास इस कार ने इतना माइलेज दिया है, क्या आपकी कार भी इतना ही माइलेज देती है, इससे कम देती है? सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मॉर्निंग में 5:20 में मैं निकला था वडोदरा से एंड एवरेज स्पीड जो है मेरी ऑलमोस्ट 90-100 के आसपास ही रखी थी मैंने। कुछ एक जगह पे 110 भी गई है, लेकिन आप 100 मान के चलेगी, 80 से 100 के बीच में मैंने कार को ड्राइव किया है। और 11.5 आवर्स का टाइम लगा मुझे टैंक को एम्प्टी करने में एंड अभी बज रहे हैं 5 और जयपुर जो है यहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर और बचा है। सो जो रिजर्व जो लास्ट बार होता है, लास्ट बार आने के बाद में भी जो आपकी कार है ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर चल सकती है। सो ये जो है आप लोगों की हेल्प करेगा कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा कि अगर आप डिसेंट ड्राइव करते हैं 100 किलोमीटर तक जो है आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा उससे पहले ही पेट्रोल डलवा लें। मैं कार के साथ ज़्यादा अभी जो है किसी भी तरह का प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, मे बी इंजन में एयर जा सकती है तो वो एक इशू हो सकता है। तो अभी जो है बैकअप का अरेंज करता हूँ एंड यहाँ से निकलता हूँ। सो आई होप कि ये फुल टैंक का वीडियो आपको देख के काफ़ी मजा आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे मेरे दोस्त में।